आज दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है और मैंने आपको बताया भी था 11,750 एंड 11,800 के टारगेट्स मैंने आपको निफ्टी में दिए थे। लेकिन अगर आप देखो आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ, फेड का न्यूज था और गैप डाउन ओपनिंग हुआ और मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया कि अगर कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होता है तो आपको प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना पड़ता है। ये मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया भी है। पहले गैप डाउन हुआ, एक बड़ा फॉल आया, उसके बाद एक रिकवरी हुई और एक वापस एक फॉल हमें देखने को मिला। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अब अगर आप देखो एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन चुका है, ये इनसाइड कैंडल का लो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये लो टूटता है तो एक शार्प फॉल हमें और देखने को मिल सकता है, हाई टूटता है तो अप ट्रेंड वापस कंटिन्यू हो सकता है। सो आप एजम्पशन मत करो, आप मार्केट को डिसाइड करने दो किस तरफ मार्केट जा रहा है, आपको लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है। अगर 11,570 जो मैंने आपको दो तीन वीडियो पहले भी बताया था लेवल, 11,570 इंपॉर्टेंट लेवल होगा। वापस मैं बोल रहा हूँ 11,570 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है, उसके ऊपर अगर जाता है तो वापस अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, अदरवाइज एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी निफ्टी से थोड़ा ज्यादा वीक है, बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ओपनिंग हुआ है और आप देख सकते हो ये लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए 22,000 के अराउंड। अगर ये 22,000 का लेवल तोड़ देता है आने वाले दिनों में तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, 21,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो बैंक निफ्टी में आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, 22,000 के नीचे अग्रेसिवली शॉर्ट टर्म कर सकते हैं। पर में 22,750 एक लेवल है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो वापस अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। सो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी निफ्टी में दोनों में ही वेट एंड वॉच है, आपको लेवल के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में टाटा केमिकल सेल दिया था, इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। मैंने आपको अमर राजा सेल दिया था, इसमें आपको इंट्राडे में पैसा आया होगा क्योंकि ये 762 तक जाके आया। ग्लेनमार्क मैंने आपको बाय दिया था 504 के ऊपर, ये 504 के ऊपर गया नहीं तो इसमें कोई बाय लेवल ट्रिगर नहीं हुआ है। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में आपको कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व अगर आप देखो एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है, राउंड ऑफ नंबर है 6,000 के नीचे अगर ये जाता है तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप देखो एक बड़ा फॉल आया था, फिर एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर एक फॉल आया, फिर इसने हॉल्ट किया, फिर एक ब्रेकडाउन कैंडल है, तो मुझे लगता है यहाँ से एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा में अगर आप देखो ये इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है इसने, एग्जैक्टली इवनिंग स्टार नहीं है ये, लेकिन इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न है, एक्सट्रीमली नेगेटिव पैटर्न है क्योंकि ये कैंडल के ऊपर इसने ब्रेकआउट जरूर दिया लेकिन फॉलो थ्रू बाइंग कुछ भी नहीं आया और एक शार्प सेल ऑफ हमें देखने को मिला है। इसमें फॉल कंटिन्यू हो सकता है, एग्जैक्टली कौन से लेवल पे सेल करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर मुझे बाइंग की तरफ स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। ये जो फॉल आया था उसके बाद यहाँ पर पूरा कंसोलिडेशन है ये 4-5 दिन का और अब एक ब्रेकआउट कैंडल हमें देखने को मिला है। मुझे लगता है यहाँ से अगर ऊपर कंटिन्यू करता है तो एक अच्छा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। सो एग्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।